कौर कोटला पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के सूबा सीनियर मीत प्रधान और अज असी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल से भारत बंद का जो उन्होंने सद्दे का दिता संबंध में असं अभी यूनिवर्सिटी बंद करके अपना रोस प्रदर्शन कर रहे हैं और जिहड़े तीन बिल खेती कानून के आए थे वो हजे तक रद्द नहीं हुए और किसान लगातार दिल्ली धरने के 10 महीने हो चुके हैं उन्होंने अज पूरे 10 महीने हो गए तो इस करके असी उदों तक इन्होंने किसानों के नाल खड़े हैं जदों तक कि साढ़े कानून वापस नहीं होंगे क्योंकि मोदी गौरमेंट एक फाशीवादी गौरमेंट भी आ इस करके कदे भी पिछे नहीं हटती होंगी तो फाशीवादी जिन्हें भी होया चाहे वह हिटलर भी होया इन्हों धौन तो फड़के लाना पैंता तो लोग इन्हों हम धौन तो फड़के लाने लगे हुए हैं सियोंक की तरह अंदरों तो यह खोखली हो चुकी है कि धक्का मारन की जरूरत आ तो इस करके इस संघर्ष में असं जिन्ना फैलावे उन्ना ही मोदी गौरमेंट जड़ां खत्म हो जदों तक कानून रद्द नहीं होंगे असं इस लड़ते रहेंगे तो वेखिया जाए मैडम अब स्टूडेंट की पढ़ाई की भी गल की जाए स्टूडेंट अब सड़कों पर बैठा वा तो साडा देश अगे किदा चलेगा जी बिल्कुल ही देखो पढ़ाई का मतलब कला यही नहीं होंगे कि डिग्रियां चाह के तुरे फिरना विद्या विचारी तो परोपकारी एक ज्ञान देने का साधन है गिद्या विद्या और सानू इस चीज़ का अगर ज्ञान हो चुका है कि खेती कानून साढ़े लिए खतरनाक ने साड़ी यह कली खेती का मसला नहीं है साड़ी नस्लों का भी मसला है इस करके साढ़े लिए हुण एजुकेशन दूसरे नंबर पर है पहला साढ़े लिए ज्ञान वंडना जरूरी है क्योंकि इन्ना ज्ञान तो असं हासिल किया ना और ज्ञान असं जिन्ना वंडांगे उन्ना ही वाधा हुंदा इस करके असं अपना विद्यार्थी होने का फर्ज निभा रहे हैं कि विद्यार्थी कल डिग्रियां लैके या कोर्टा के नहीं जाते होंगे सिर्फ तो सिर्फ असं यही नहीं गा भी असं एम ए की बी ए की पी एच डी की हुई है और असं दसना चाहते कि विद्यार्थी आ भी होंगे जो समाज में भी पढ़ाते हैं पहले स्कूलों जाके नहीं पढ़ा होंगे और जिन्होंने लोगों तक इन्होंने चीज़ों का ज्ञान नहीं गया असं ज्ञान देना है। हाँ जी सर मैं यही कहना चाहूँगा जब असं रोज सोशल मीडिया से देखते सी कि किसान अपने अंदोलन कर बैठे है तो उन्होंने गलू अच्छे असं इतने बह के धुप के फील कर रहे हैं सारे परेशानी भी आ रही है लेकिन इतों सूँ पता चल रहा कि औखी घड़ी उत्ते बैठे है सारे मोदी सरकार जी बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ चल रही है इस टाइम तो इन्होंने खिलाफ़ सूँ बहुत व्डा जन अंदोलन छेड़ना चाहिए क्योंकि हर वर्ग में इन्होंने करजे थले उन्हें धक्त है तो किसानों सब तो वही सत्त मारी है साल तो ज़्यादा इन्हों का अड़ी रवैया देख रहे हैं अं बिल्कुल खेती कानून रद्द करने के हक है नहीं चलो लेकिन अपना एक डेमोक्रेटिक पावर है साढ़े को पीपल पावर होंगी है तो यह जरूर है कि आप जंग जरूर जितेंगे बस हौसला रखना है बाकी मोदी को अस यही कहना चाहेंगे कि एक बार विचार जरूर करना चाहिए उन्होंने किसानों के हक की गल भी करे। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो पंजाब रिफलैक्शन चैनल जिवें दर्शको तुसीं जानते हो कि संघर्ष संयुक्त मोर्चे वालों एक कॉल की गई सी कि असीं अज पंजाब नूं बंद करन दा ऐलान किया गया पर उहदे विच वेख्या जावे तो ये जिहड़े स्टूडेंट भी वह भी पूरा समर्थन दे रहे हैं आओ इत्थों जिहड़े अमृतसर गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिहड़े स्टूडेंट हैगे उन्हां नाल गलबात करते हैं वो की कहिंदे आ मैडम की कहना चाहते अज तुसीं स्टूडेंट वालों भी समर्थन दिता जा रहा पंजाब जिहड़ा हो घारा किया गया कल एक कॉल आई सी संयुक्त मोर्चे वालों तुसीं की कहना चाहते इस बारे। सानू संयुक्त किसान मोर्चे ने 27 सितंबर की भारत बंद की कॉल दी है तो असी उहदे ते आए हाँ असी अपनी यूनिवर्सिटी बंद करना है क्योंकि की फर्क पै जाता पिछले 2 साल भी तो सरकार ने ड्रामे करके करोना का जिहड़ा यूनिवर्सिटी बंद रखी है हुण एक दिन ना कोई साडी पढ़ाई ते फर्क नहीं पैण दिया फिर जे पिछले 2 सालों तो नहीं पिया असी इत्थे आए जिहड़े 3 काले कानून इन्होंने पास किए आ एवें किन्नी बदमाशी दे नाल इन्हां ने जिहड़े कानून पास किए उन्हां दे विरोध दे विच असी आए हाँ तो अगे भी आउंदे रहांगे जो भी सानू संयुक्त किसान मोर्चा कॉल देवेगा असी उहदे ते आवांगे अज सानू इन्हां ने इत्थे आने पर मजबूर करता जिहड़ा असी इत्थे बैठे हुए हाँ ये कानून निजीकरण के किन्ने ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के पक्ष ने यह सारा कुछ कारपोरेट्स लिए पिछले 2-3 सालों तो जिहड़ी मोदी सरकार कर रही है हुण असी नहीं होण देवांगे अगे असी नहीं वेखांगे तो अगे असी बहुत ज़्यादा फाइट करांगे। मैडम वेखिया जाए जिहड़े मुख्यमंत्री चन्नी जी उन्होंने भी अज कल की गल की जाए एक किसान वालों जिहड़े शहीद भी होए 700 दे लागे जिहड़े पहुँच चुके हैं जिहड़े किसान साढ़े उन्होंने कल वालों नौकरी का भी उन्होंने एक लैटर पैड भी दिता कि तुहानूं नौकरी मतलब कि दी जाए कि वेखदे हो चीज़ां सही हैं कि नहीं ये सारी कुछ इस टाइम तो पॉलिटिक्स चल रही है जिहड़े किसानां लई पिछले 10 महीनों तो इन्हां लई आवाज़ नहीं निकली हुण जे इलैक्शनज़ लग गए आ गई तो हुण इन्हां दे मूँह चों आवाज़ निकलण लग पई है असीं पॉलिटिक्स नूं समझदे हाँ असीं इत्थे स्टूडेंट्स हाँ सूझवान तबका तो सानूं इन्नी क समझ आती है कि की पॉलिटिक्स हो रही है तो की नहीं हो रही ये सारी पार्टीबाजी चल रही है ये जिहड़ियां 22 दे इलैक्शनज ने उहदे लई जे वेख्या जाए अमेरिका में जो मोदी जी दौरे पर गए 3-4 दिन वास्ते गए थे उत्थे भी जाके जो उतों के बंद ने जो पंजाबी लालिए भाईचारा ने उन्हें डट के विरोध किया कि वेखते हो कि वो हर पास ननकारे जा रहा मोदी साहब अज तक उन्होंने कोई जू नहीं सरकारी की वेखते हो
देखो इन्हों का तो हुण पॉलिटिक्स इन्हों की इत्थे समाज दे विच खत्म हो चुकी है। हुण ये सिर्फ जे ये कानून नहीं वापस लै रहे तो ये एक सिर्फ कारपोरेट्स के धक्के करके नहीं लै रहे, ये कारपोरेट्स इन्हों के पूरे पिछे ने ये तां करके कानून वापस नहीं लै रहे, नहीं तो जे इन्हों के वस च हुंदा तो लै लेंदे। इन्हों के पिछे वड्डे वड्डे कारपोरेट्स ने जिन्हों के सामने एक कीड़ी जिन्ने नहीं आ, जो उन्होंने कुछ किया वा तो ये उत्ते अमल करते आ। इसलिए जे कारपोरेट्स का धक्का चल रहा वा ताइयों कानून नहीं वापस लै रहे, जिन्हों के वस च हुंदा तो लै लेंदे। थैंक यू मैडम। ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ 2020, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ।